वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। मैं सुखबीर सिंह पिंड गिल्लां तो बोल रहा। आ साडा एरिया जिहड़ा पानी दा वर्खा बहुत ज़्यादा हो रही है। वर्खा ने 250-300 किला जिहड़ा जमीन फसल झोने लगी फसल खराब कर दिती है। पेट्रोल पंप वालिया ने मिट्टी सिट के पेट्रोल जी हैगी पुली बिल्कुल बंद की ही आ। वो पुली खिलाई जाए प्रशासन सवेर से ही बेनती कर रहे हैं। प्रशासन का कोई आदमी नहीं आ रहा। जे असी एक अद्धा घंटा होर वेखांगे जे प्रशासन ने कोई दा हल किया ठीक आ, नहीं हल किया तो अं सड़क के उपर दरियां विछा के बैठ जावे। नाल यूनियन नाल साडा संपर्क हो गया वा, नाल यूनियन वाले आउणगे तो फिर जदों तक प्रशासन नहीं इसका हल कोई करता उन चेर रोड बंद रखांगे। किन्नी कु फसल दा तबाह हो गई आ, तुसीं आप देख सकदे हो 250-300 किले दे विच पानी बिलकुल डुब गई फसल। सिर्फ एक एक बंदे दी गलती करके जो उन्हें मिट्टी गाड़ी सिट के बंद किया है। ये जिहड़ी पुली है किथे जांदी है बच्चो? ये पुली दा पानी गाड़ी ड्रेन नूं जा रहा वा। गाड़ी ड्रेन विच पानी जा के पै रहा, ड्रेन बिलकुल खाली पई आ। ये पुली खिलाई जाए, प्रशासन नूं बार बार बेनतियां सवेर दे कर रहे हैं असीं। जे पुली खिलाई जाए सारा हल हो सकदा। मौके ते कोई प्रशासन अधिकारी पहुंचा अजे तक जां नहीं? ला रहे लारे ला रहे सारे। किन्ने किसानां दी जिहड़ी पैली आ? 50-60 किसान तो घट, 100 किसान की पैली हैगी जो पिछे प्रभावित हो रहे हैं। दीपियाल वाले रहने वाले हैं जी। बलवीर सिंह मैं बोल रहा जी। हाँ जी, साढ़े वर्खा के नाल घट्टो घट 400-500 किला जोड़ा वा पूरा पानी फिर चुका वा। झोना डुब गया, लाए हुए झोने हैं सारे। जिमीदार ने दवाइया पाई, देखो किन्ना खर्चा हो गया। मर के तो अगे अं ये चीज़ा देखो कख नहीं, महंगाई इन्नी हो चुकी है भी कख नहीं बंदे का जी महापाल दे। हुण तुसीं आपदे सामने देख लो भी आ किन्ना 400 किला डुब्या है वा सिर्फ एक बंदे दे कारण। उन्हें पुली गाड़ियां बंद की हुई आ। सवेर दे अं मेरे हिसाब ना भी 40-50 जिहड़े जिमीदार अं कदे इधर भजदे प्रशासन भी वरी अं उन्हां नूं फोन भी कर चुके हैं। एस डी साहब नूं भी फोन किया, कह दिंदे अं 5 मिंट तक आउंदे पर हाले तक साढ़े कोल कोई नहीं पहुंचिया। मैं जगीर सिंह वासी दीपेवाल। इस वेले तुसीं जिद्दां आले दुआले नज़र मारो तो आ तकरीबन 400-500 एकड़ का जिहड़ा रकबा ये पूरी तरह पानी च डुब्या होया। और इहदी वजह जिहड़ी आ सिर्फ यह कि इत्थों जिहड़ा कुदरती वहा पानी का वो ये डला रोड से जे पुली दे मूहरे जिहड़ी आ मिट्टी पाई हुई आ। और इहदी वजह करके सारी अगे जिहड़ी ब्लॉकेज हो गई आ और पिछे पानी जिहड़ा वो डंप हुंदा जांदा। और ये जिहड़ा पानी आ लोहियां तो कुदरती वहा इधर नूं डला रोड क्रॉस करके अगे ड्रेन च जांदा। ड्रेन जिहड़ी पूरी तरह खाली आ। सिर्फ ये इको एक सोल वजह जिहड़ी हैगी आ वो इन्होंने जिहड़ी पुली बंद की उहदी वजह करके सारा पिछे पानी ब्लॉक हो गया और बहुत सारा जिहड़ा फसल का नुकसान हो गया। और साडी मंग आ पुरजोर प्रशासन तो भी फौरी तौर पर यह जिहड़ी पुली आ इहनूं खिलाया जाए और जिहड़ा नुकसान आ उहदी भरपाई भी इहनां कोलों की जाए। मतलब झोना तबाह हो चुका पूरी तरह बिल्कुल आ। तुहाडे सामने आ जी, देखो तुसीं ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤਕਰੀਬਨ 40-50 ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਇਹ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਲੱਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੂੰਘਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਡੱਲੇ ਵਿਖੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਓਬਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲੀ ਖਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਹੁਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵਾਰ ਜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਜੀ PWD ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਐਸਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨੇ 1-1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਟਰੈਫਿਕ ਦਾ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ।